हर हर महादेव। दर्शकों जय महाकाल। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप धनतेरस पर क्या क्या ऐसी चीज़ें करें जिससे माँ लक्ष्मी और कुबेर जी की कृपा आपको प्राप्त हो। तो पहला है आपको बंधनवार। आप घर में धनतेरस के दिन बंधनवार जो दरवाजे पर तोरण भी जिसे कहते हैं उसे आप जरूर लटकाएं, टांगे उसे, क्योंकि इससे नकारात्मक जो ऊर्जा होती है वो प्रवेश नहीं कर पाती घर में। और आप चाहे तो अशोक के पत्तों की, आम के पत्तों की और गेंदे के फूल वगैरह लगा के घर में ही इसे बना सकते हैं। स्वास्तिक और शुभ लाभ। स्वास्तिक को भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, इसलिए आप कोई भी शुभ कार्य में स्वास्तिक जरूर बनाएं। तो आप धनतेरस के दिन स्वास्तिक जरूर बनाएं। धनतेरस के दिन मुख्य द्वार पर आप कुमकुम से स्वास्तिक या शुभ लाभ जरूर ही बनाएं। शुभ लाभ भी लिख सकते हैं और आप स्वास्तिक भी बना सकते हैं। ऐसा करने से भी माँ लक्ष्मी की और कुबेर देवता की कृपा हमें जरूर प्राप्त होगी और धन के साथ सौभाग्य में भी बढ़ोतरी होगी। माँ लक्ष्मी के पदचिन्ह आप जरूर बनाएं धनतेरस वाले दिन, क्योंकि वास्तु के अनुसार धनतेरस के दिन मुख्य जो घर का मुख्य दरवाजा है उस पर माँ लक्ष्मी का चरण चिन्ह जरूर बनाने चाहिए। कहते हैं धनतेरस के दिन से ही माता का आगमन होता है, तो ऐसे में ये आप काम सुबह नहा धोकर कीजिए और इस तरीके से पदचिन्ह बनाइए कि जो घर के मुख्य दरवाजे पर कि अंदर की तरफ आप प्रवेश कर रहे हों वो चिन्ह, या आप बाजार से भी स्टिकर लाकर लगा सकते हैं। रंगोली आप जरूर बनाएं धनतेरस वाले दिन। धनतेरस वाले दिन से ही आप ये काम शुरू करें और दीपावली तक आप बनाएं, हो सके तो पूर्णिमा तक करें लेकिन दीपावली तक आप जरूर बनाएं। आप रंगोली बनाएं, रंगोली आप फूलों से बनाएं चाहे आप कलर से बनाएं, और एक दीपक डेली ही मुख्य दरवाजे पर आपको जलाना चाहिए। पूर्णिमा तक तो रोज़ ही जलाएं घी का दीपक। तुलसी की पूजा जरूर करें कार्तिक के महीने में। कार्तिक के महीने में तुलसी की पूजा करना बहुत ज़्यादा शुभ होता है, क्योंकि विष्णु प्रिया हैं तुलसी जी, और इससे विष्णु भगवान प्रसन्न बहुत ज़्यादा होते हैं, माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है, इसलिए आप तुलसी की पूजा जरूर करें। धनतेरस के दिन आप क्या कीजिए कि तुलसी का जो पौधा है आप अपने मुख्य दरवाजे पर रखिए और रात में आप उसे सोते समय आप उसे अंदर रख लें। इस तरीके से कुछ एक काम है, इन्हें आप जरूर कीजिए धनतेरस पर। इसे करने से आपके घर में धन संपदा का आगमन रहेगा, माँ लक्ष्मी प्रसन्न रहेंगी, आपके जो भी काम है बिगड़े हुए सारे बनेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखें।